आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी। सेफ्टी कमेटी की संरचना, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं सेफ्टी कमेटी में, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें माइंड रूल 1955 के रूल नंबर 29U में दिया गया है क्या, कंपोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी। तो इसमें आइए जानते हैं कौन कौन होते हैं। तो इसमें मैनेजर होता है जो कि चेयरमैन होता है कमेटी का। इसके बाद होता है फाइव ऑफिशियल या फिर कंपिटेंट पर्सन जो कि चेयरमैन द्वारा नॉमिनेट किया हुआ होता है। चेयरमैन कौन है? मैनेजर। इसके बाद है नेक्स्ट थर्ड नंबर का, फाइव वर्कमैन्स होते हैं जो कि नॉमिनेटेड बाय वर्कमैन्स ऑफ द माइन। जैसा कि वर्कमैन इंस्पेक्टर को नॉमिनेट किया जाता है, वैसा नॉमिनेट किया हुआ फाइव वर्कमैन्स होते हैं। इस फोर्थ है वर्कमैन इंस्पेक्टर, वेयर इज सो डेजिग्नेटेड, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल माइनिंग, ये तीनों का हो सकता है या फिर माइनिंग का हो सकता है। इसके बाद है सेफ्टी ऑफिसर जो कि सेक्रेटरी होता है। अगर सेफ्टी ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो मैनेजर के जस्ट नीचे वाला सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर रहेगा वो सेक्रेटरी का काम करेगा। इसके बाद अगर मैनेजर चाहे तो कोई भी ऑफिशियल या फिर कंपिटेंट पर्सन को किसी भी दिन या फिर किसी भी मीटिंग में बुला सकता है। तो आइए जानते हैं टोटल कितने हुए। एक मैनेजर हो गया, फाइव ऑफिशियल हो गया, फाइव वर्कमैन्स हो गए। अगर वर्कमैन इंस्पेक्टर तीन है तो इसमें तीन काउंट करेंगे, अगर एक है तो एक काउंट करेंगे। इसके बाद है अपना सेक्रेटरी है, सेफ्टी ऑफिसर एक, टोटल हो गए 1, 10, 11 हो गए और ये 14, टोटल हो गए 15। अगर ये 15 होते हैं, अगर इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अगर वर्कमैन नहीं है तो ये 13 हो।